हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकरा मेमन और आज हम पढ़ेंगे कि हमने जैसे कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के बारे में समझा था, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन के बारे में समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं ग्लोबलाइजेशन के अंदर और किस तरीके से इम्पैक्ट कर रही है स्टेट पावर को। ठीक है, ग्लोबलाइज वर्ल्ड में अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजिकल अगर एक ऐसी चीज़ थी जिसने ग्लोबलाइजेशन को इंक्रीज किया रिसेंट टाइम्स में, तो वो क्या थी? वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी। इसको आपको समझना है, ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पे जो टेक्नोलॉजीज आई, इंटरनेट सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है। आप आज के टाइम पे इसके आपके लिए बहुत ज़्यादा कैजुअल, बहुत कॉमन हो चुका है, लेकिन आज से 50 साल, 100 साल पहले अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से जब बात करेंगे तो वो कहेंगे कि कितना ज़्यादा कम्युनिकेशन करना बहुत ज़्यादा एक मुश्किल प्रोसेस थी, किस तरीके से लेटर लिखना पड़ता था, दूर तक हो जाता था। ठीक है, तो मैं उतनी ज़्यादा बेसिक बातों में नहीं जाने वाली। तो थिंग इज कि आपको पता है कि टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन आने की वजह से ग्लोबलाइजेशन जो है क्या टैरी आउट होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि ग्लोबलाइजेशन के बारे में हमने आर्ग्यू किया था लास्ट चैप्टर में, हमने इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पढ़े थे कि किस तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो एक बहुत ज़्यादा जो है अमाउंट पे कर रही है फॉर द डेवलप कंट्रीज। ठीक है, और मैंने हमने ये बताया था कि MNCs जो होती है, MNCs किस तरीके से पावरफुल होते जा रही है। अब हम पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करेंगे कि जो स्टेट की सॉवरेनिटी थी वो किस तरीके से इम्पैक्ट हुई है। अब सॉवरनिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये वेस्टफेलियन कॉन्सेप्ट से इमर्ज होकर आया था, आपको पता है, और ये सॉवरनिटी इंटरनेशनल रिलेशन के कॉन्सेप्ट से एसोसिएटेड है। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया इंटरनेशनल रिलेशन में, मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी। देखिए, सॉवरनिटी को समझने के लिए आपको समझना है कि स्टेट की सॉवरनिटी दो कंटेक्स में होती है। ठीक है, दो कंटेक्स में होती है, एक होती है इंटरनल सॉवरनिटी। इंटरनल सॉवरनिटी यानी कि अगर एक स्टेट है वो कुछ भी करना चाहे वहाँ की जो जनता है उसके साथ वो कर सकता है। ठीक है, एक होती है एक्सटर्नल सॉवरनिटी, मतलब वो अपने डिसीजन इंडिपेंडेंटली इंटरनेशनल रिलेशन में ले सकता है। ठीक है, और हमारी कंट्री क्या है? सॉवरेन नेशन है। तो बेसिकली जितनी भी कंट्रीज आज के टाइम पे नेशन स्टेट कहती है अपने आप को, वो अपने आप को सॉवरेन क्लेम करती है। सॉवरेनिटी का आइडिया पीस ऑफ वेस्टफेलिया से निकल कर आया था। अब ये जो सॉवरेनिटी है, क्या इसको चैलेंज किया गया है ग्लोबलाइजेशन के थ्रू? तो देखिए, अब हम इसको समझेंगे, इसका यस और नो वाला आंसर हम नहीं देंगे क्योंकि डिफरेंट स्कॉलर्स का डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। तो क्या स्टेट सॉवरेनिटी इम्पैक्ट हुई है या नहीं हुई है वो भी हम समझेंगे पहले। तो अब स्टेट की बात करते हैं, तो स्टेट जो है मोंटेवीडियो कन्वेंशन ने डिफाइन किया है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट्स में। मोंटेवीडियो कन्वेंशन में एक स्टेट की चार चार कंपोनेंट्स बताए गए थे, वो है डिफाइंड टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सॉवरनिटी यानी कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशन विद अदर स्टेट्स। ठीक है, तो प्लेटो भी यही बताते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, तो मैं स्टेट में नहीं जाऊंगी। और अलग अलग डेफिनेशन है स्टेट की, वो तो आपको पता ही है। मैक्स वेबर ने स्टेट को डिफाइन किया है लेजिटिमेट वायलेंस के रूप में, जोसेफ स्कुंटर ने स्टेट को फिजिकल मोनोपोली के रूप में डिफाइन किया है। ठीक है, तो डिफरेंट आप कह सकते हैं कि वॉट यू कैन से डेफिनेशन है स्टेट की। तो हम स्टेट की अथॉरिटी को इसलिए समझ रहे हैं ताकि हम ये समझ सकें कि किस तरीके से स्टेट की अथॉरिटी इम्पैक्ट हुई है, स्टेट की सॉवरेनिटी इम्पैक्ट हुई है बाय द ग्लोबलाइजेशन। सॉवरेनिटी को अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग डिफाइन करते हैं, जैसे कि जोसेफ स्कुंटर ने कहा कि स्टेट जब फिजिकल मोनोपोली, आज स्टेट की फिजिकल मोनोपोली होती है, मतलब वो अपने सिटीजन्स को टैक्स करता है स्टेट। ठीक है, पहले के टाइम पे भी ऐसे होता था कि ट्रिब्यूट लिया जाता था स्टेट से और मतलब लोगों से, अब ये चीज़ तो है। उसके अलावा फ्रेंच पॉलिटिकल थ्योरिस्ट जीन बॉडिन ने सबसे पहले जो है इसको क्लासीफाई किया था सॉवरेनिटी को। सॉवरेनिटी को उन्होंने बताया था एब्सोल्यूट एंड परपेचुअल पावर ऑफ कॉमनवेल्थ। ठीक है, अब उसके बाद डिफरेंट तरीके से लोगों ने इसको कैटेगराइज किया है। तो सॉवरेनिटी हम यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से सॉवरेनिटी जो है ग्लोबलाइजेशन से इम्पैक्ट होने वाली है। तो सॉवरेनिटी मैंने आपको बता दिया, इंटरनल सॉवरेनिटी होती है, एक्सटर्नल सॉवरेनिटी होती है। सॉवरेनिटी इम्पैक्ट कैसे होगी वो बताती हूँ। अब देखिए, होता क्या है कि आपने देखा होगा इराक इन्वेजन हुआ था बाई US, उन्होंने क्या कहा कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वो बना रहा है, उस पर अटैक कर दिया, वहाँ पर कितने सिविलियंस की जान गई और वहाँ पर जो आप देखेंगे तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोग इफेक्ट हुए। अब ये हो गया सॉवरेनिटी पे कहीं ना कहीं खतरा हो गया। अब ये अभी देखेंगे, अब इसराइल पैलेस्टीन वॉर चल रहा है, उसके बाद आप देखेंगे रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। अब देखिए, वॉर में आप एक दूसरे की कंट्री पर अटैक करते हैं ये एक अलग चीज़ होती है, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि भाई हम तो यहाँ पर इसलिए अटैक कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो है ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, यहाँ पर तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बन रहे हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं आप, सॉवरेनिटी को कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। तो एक चीज आती है ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन और दूसरी चीज होती है सॉवरेनिटी, दोनों के बीच में क्लैश और टेंशन आपको देखने को मिलेगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप इराक इन्वेजन बाय US का दे सकते हैं, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम पर उन्होंने कैसे जो है इराक पे हमला किया था।
अब क्या ग्लोबलाइजेशन ने स्टेट सॉवरेनिटी को इम्पैक्ट किया है या नहीं किया है, इस पर तीन पर्सपेक्टिव है, ठीक है, हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही ईजी सी बात है। एक होता है स्केप्टिस्ट का पर्सपेक्टिव, स्केप्टिस्ट होता है, एक होता है हाइपर ग्लोबलिस्ट का पर्सपेक्टिव, और एक होता है ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट का पर्सपेक्टिव, ठीक है, बहुत ईजी है। स्केप्टिक्स बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ने कोई चेंज नहीं लेकर आया, स्टेट अभी भी प्राइमरी एक्टर ही है, और अभी आपने मिथ ऑफ द मतलब इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर से मैं आपको नाम बताऊंगी, उनकी बुक का भी नाम बताऊंगी। एक होता है हाइपर ग्लोबलिस्ट, हाइपर ग्लोबलिस्ट कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से स्टेट का जो है डिक्लाइन हो चुका है, और इतना हद तक डिक्लाइन हो चुका है कि अब स्टेट रिडंडेंट हो चुका है, इतना वो कहते हैं, ठीक है। और ये चीज जो है बहुत सारे लोगों ने बताई है, जैसे कि हम देखेंगे ग्लोबल विलेज का जो कॉन्सेप्ट है, वैसे ही केंची ओहिमी ने अपनी बुक बताया था बॉर्डरलेस वर्ल्ड में कि स्टेट जो है वो कोई इंपॉर्टेंस उसकी नहीं रही है। अब हाइपर ग्लोबलिस्ट कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है, मतलब मैंने आपको बताया केंची ओहिमी का जो एक आप बुक पढ़ेंगे उसमें वो बताते हैं बॉर्डरलेस वर्ल्ड की जो मतलब स्टेट है वो एक आप देखेंगे कन्वेयर बेल्ट बन चुका है, मतलब स्टेट का आपको रोल नहीं है, अब सब लोग आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, स्टेट का रोल खत्म हो चुका है। ट्रांसफॉर्मेशनिस्ट जो है वो दोनों के बीच का पोजिशन लेते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर स्केप्टिक्स कह रहे हैं कि भैया स्टेट बिल्कुल इंटैक्ट है, इम्पैक्ट नहीं हुआ है, और जो हमारे जो हाइपर ग्लोबलिस्ट है वो कह रहे हैं कि स्टेट पूरी तरीके से इम्पैक्ट हो गया है, तो दोनों के बीच में जो आते हैं वो कौन है, वो है ट्रांसफॉर्मेशनिस्ट। वो कहते हैं कि स्टेट जो है ट्रांसफॉर्म हुआ है, ठीक है, स्टेट की सॉवरेनिटी ट्रांसफॉर्म हुई है, ठीक है, और ये जो है अब आपस में जो है बहुत ज़्यादा हद तक के इंटरमिंगल हो चुकी है। हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्केप्टिक्स के आर्ग्यूमेंट्स हम पढ़ लेते हैं। तो स्केप्टिक्स कहते हैं कि कोई इंटीग्रेटेड ग्लोबल इकोनॉमी नहीं है, और आज भी जो है मेजोरिटी। अब बात करते हैं पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन की। तो पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन मतलब आप देखेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे एक गवर्नेंस का इमर्जेंस हो रहा है। अगर आप देखेंगे यूरोपियन यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखिए, अगर यूएन को देख लीजिए, डब्ल्यूटीओ को देख लीजिए, नेटो, नाफ्टा, तो ये सब क्या है, ये सब इंटर गवर्नमेंटलिज्म है या सुपरा नेशनलिज्म की तरह जो है ये अपने आप को बेस कर रही है। तो इंटर गवर्नमेंटलिज्म मतलब ठीक है, इंटर गवर्नमेंटलिज्म मतलब जैसे कि डिफरेंट गवर्नमेंट साथ में आकर काम कर रही है, ठीक है, ये ठीक है, जैसे क्लाइमेट चेंज पर काम कर रही है। लेकिन यूएन अगर आप देखेंगे, यूएन सुपरा नेशन की तरह क्या काम कर रही है, मतलब ये सारे नेशन के ऊपर है। अगर ये नेशन के ऊपर है तो मतलब स्टेट सॉवरेनिटी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रही है, क्योंकि स्टेट सॉवरेनिटी क्या कहती है कि स्टेट सुप्रीम है, स्टेट के ऊपर कोई नहीं है। अब यूरोपियन यूनियन में अगर आप देखेंगे तो यूरोपियन यूनियन जो है वो सारे पॉलिसीज का डिसीजन लेता है, मॉनेटरी, एग्रीकल्चर, फिशरी, और ये सारी पॉलिसीज यूरोपियन यूनियन में बनती है, ना कि स्टेट में बनती है। और यही चीज़ आप देखेंगे डब्ल्यूटीओ में, डब्ल्यूटीओ का फंक्शन क्या होता है, ग्लोबल ट्रेड में जो भी फैसला करता है वो डब्ल्यूटीओ करता है। तो इसलिए अगर आप देखेंगे कि पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन से कहीं ना कहीं एक इंटर गवर्नमेंट और सुपरा नेशन का जो है इमर्जेंस देखने को आपको मिलता है, जिसमें पूल सॉवरेनिटी में डिफरेंट नेशन स्टेट साथ में आकर जो है काम कर रहे हैं और अपनी कुछ पार्ट ऑफ सॉवरेनिटी को दे रहे हैं। जैसे कि इंडिविजुअल साथ में आए थे, उन्होंने स्टेट कैसे फॉर्म किया, हॉब्स लॉ क्रूजो बताते हैं कि हमारा एक पार्ट ऑफ लिबर्टी हमने स्टेट को दिया, अब स्टेट अपनी सॉवरेनिटी का कुछ पार्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं ताकि डिफरेंट तरीके से हम अपना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसपे हमें साथ में मिलकर काम करना होगा, जैसे क्लाइमेट चेंज वगैरह, तो इसलिए जो है हम क्या कर रहे हैं, हमारी सॉवरेनिटी को जो है पूल कर रहे हैं। एक और एग्जांपल जो है रॉबर्ट कूपर देते हैं। रॉबर्ट कूपर क्या बताते हैं कि अगर जितने भी स्टेट्स होते हैं हम उसको तीन पार्ट में जो है डिवाइड कर सकते हैं कोल्ड वॉर एरा के बाद, ठीक है, तीन तरीके से। एक होते हैं प्री मॉडर्न स्टेट, एक होते हैं मॉडर्न स्टेट्स, और एक होते हैं पोस्ट मॉडर्न स्टेट्स। पोस्ट मॉडर्न स्टेट्स कभी भी फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे वो लोग जाते हैं, अपना डिस्प्यूट सेटल अप करते हैं, और साथ साथ जो है ये पोस्ट मॉडर्न स्टेट्स अगर हम देखें तो जैसे कि वो बताते हैं यूरोपियन यूनियन, तो यूरोपियन यूनियन एक तरीके से पोस्ट मॉडर्न स्टेट है जो फोर्स का यूज़ नहीं करता। प्री मॉडर्न स्टेट फोर्स का यूज़ करेंगे, ठीक है, और मॉडर्न स्टेट डिपेंड करता है कि वो क्या करेंगे, मतलब वो जो है कभी कभी फोर्स का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनका भी बहुत अप्रोच जो है बहुत ज़्यादा यूरोसेंट्रिक है, क्योंकि अभी आपने देखा रशिया कैसा कर रहा है, तो रशिया जो है रशिया यूक्रेन वॉर में आप देख लीजिए, तो अभी यूएस जो है किस तरीके से यमन पे अटैक कर रहा है। तो द थिंग इज कि ये आप ये नहीं कह सकते कि पोस्ट मॉडर्न स्टेट वगैरह, तो ये रॉबर्ट कूपर का क्लासिफिकेशन है एक तरीके से। अब इश्यूज़ क्या आते हैं स्टेट सॉवरेनिटी और ग्लोबलाइजेशन में, एक होते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट। अब ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट आपने देखा होगा कि जैसे कि हमें भी हमारी इकोनॉमी को ओपन अप करना पड़ा 1991 में, क्योंकि हमें WTO और IMF वर्ल्ड बैंक से जो है प्रेशर आया था। तो थिंग इज़ कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन जो है इम्पैक्ट होती है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन जो है कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और हमारी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी डिक्लाइन हो रही है।
अभी कॉस्मोपॉलिटन कल्चर का इमर्जेंस आपको देखने को मिल रहा है। कॉस्मोपॉलिटन कल्चर मतलब अब देखिए, आप देखेंगे कि आप आजकल आप जो इश्यूज आपके नेशन में है सिर्फ उससे कंसर्न नहीं रहते, इंटरनेशनल लेवल पे किसी का ह्यूमन राइट वायोलेशन हो रहा है ठीक है, अब उस चीज़ों से भी जो है कहीं ना कहीं फोकस रहते हैं। आप देखते हैं कि इसराइल में क्या हो रहा है, गाजा में क्या हो रहा है, या यूक्रेन में क्या हो रहा है, या रशिया में क्या हो रहा है, तो आपको ये सारी चीज़ें जो है अवेयर रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन आप देखेंगे, ह्यूमन एमनेस्टी इंटरनेशनल देख लीजिए, तो ये सब ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही है, इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है, ह्यूमन सेंट्रिक काम कर रही है। ये नहीं मैटर करता कि किस नेशन से बिलोंग करते हैं। तो एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर का इमर्जेंस हुआ है जो ह्यूमन पे फोकस करता है ना कि स्टेट पे। यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है 1948 में जो साइन हुआ था, ये सभी कंट्रीज ने साइन किया है। अब कोई कंट्री से विदड्रॉ नहीं कर सकती, मतलब ये कि कहीं पर भी ह्यूमन राइट्स वायोलेशन होगा तो वो कंट्री जो है यूनाइटेड नेशन इंटरवीन भी कर सकता है ठीक है। बहुत सारे इश्यूज ऐसे इमर्ज होकर आ गए हैं जैसे क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल पॉवर्टी, ग्लोबल टेररिज्म, तो ये सॉवरेन स्टेट जो है अपने आप नहीं टैकल कर सकता, इसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत है। और आज के टाइम पे हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना बढ़ चुका है कि स्टेट्स जो है अपनी बॉर्डर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, स्टेट्स की बॉर्डर जो है परमिएबल हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये केंची ओहिमा अपनी बुक में बॉर्डरलेस वर्ल्ड में जो है आर्ग्यूमेंट देते हैं। अब ये जो इकोनॉमिक सॉवरनिटी है डिक्लाइन होते जा रही है और गवर्नेंस जो है वो इमर्ज होकर आ रही है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर एक तरीके का गवर्नेंस, अब गवर्नमेंट तो हम नहीं कह सकते लेकिन इंटरनेशनल गवर्नेंस इमर्ज होकर आ रही है और ये दोनों के बीच में जो है क्लैश हो रहा है। अब सुसैन स्टैन जैसे कि कहती है, अपनी बुक भी लिखती है वो कैसीनो कैपिटलिज्म, और उसमें वो बताती है कि अब पहले स्टेट्स जो है वो मार्केट का मास्टर्स हुआ करते थे, अब मार्केट जो है वो स्टेट के मास्टर्स हो गए हैं ठीक है। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है कि TNC किस तरीके से, मैंने आपको पहले बताया कि TNC जो है ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन MNC अब किस तरीके से जो है स्टेट की पॉलिसीज को जो है कंट्रोल कर रही है। कैसे कंट्रोल कर रही है कि अब अगर कभी भी कहीं पर भी वो चाहे वो वहीं पर जाएगी जहां पर जो है पॉलिसीज स्टेट की क्या रहेगी, कंड्यूसिव रहेगी टू कॉर्पोरेट इंटरेस्ट, तो अब वो इस तरीके से जो है कंट्रोल करेगी स्टेट को ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। इसी चीज़ को रॉबर्ट कॉक्स इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। मतलब स्टेट आजकल देखिए, कोई भी पॉलिसी हम लेते हैं तो वो सिर्फ इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए नहीं लेते हैं, हम इंटरनेशनल इंटरेस्ट को भी ध्यान में रख के जो है लेते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है हमें समझने की है। अब आज भी कुछ लोग कहते हैं कि स्टेट सेंट्रिक व्यू देते हैं कि स्टेट की पावर जो है और ज़्यादा बढ़ चुकी है, कैसे बढ़ चुकी है वो भी समझते हैं। अब देखेंगे टेररिज्म जैसा एक चैलेंज जो है इमर्ज होकर आया, तो टेररिज्म का चैलेंज जो है इमर्ज होकर आया, तो अब लोगों ने स्टेट्स ने क्या किया, अपनी बाउंड्री को टेरिटरी को और ज़्यादा हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। देखेंगे आप ये हमारी मिलिट्री एक्सपेंडिचर देख लीजिए ठीक है, तो मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहा है, हम लोग बॉर्डर कंट्रोल को टाइटर करते जा रहे हैं, सर्विलेंस बढ़ाते जा रहे हैं। तो अब आज के टाइम पे हम देखेंगे कि नेशनल सिक्योरिटी स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है वो फिर से जो है रिवाइटलाइज हो रहा है। दूसरी चीज़ ये होती है कि स्टेट तो चलिए मार्केटाइज हो चुका है, ग्लोबलाइज हो चुका है, लेकिन जहाँ पर जितना ज़्यादा सोशियो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी वहीं पर आप देख सकते हैं कि उतना ज़्यादा इकोनॉमिक सक्सेस रहेगी। मतलब कहीं पर आप देखेंगे कि समझ लीजिए वॉर की सिचुएशन है, वहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है, इंटरनल राइफ है, सिविल वॉर हो रहे हैं, तो वहाँ पर कोई भी MNC जाके इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगी। इसलिए स्टेट का काम क्या है कि रूल ऑफ लॉ मेंटेन करके रखे, इन्फोर्समेंट ऑफ प्रॉपर्टी करे, जिससे कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली भी आप देखेंगे कि MNCs जो है वो अट्रैक्ट होगी कि वहाँ पर जो है इन्वेस्ट करें। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी टू फंक्शन एट ग्लोबलाइज लेवल। इसके एग्जांपल्स दिए जाते हैं जैसे चाइना, रशिया, जहाँ पर रूल ऑफ लॉ ज़्यादा रहेगा, प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी राइट्स अच्छे से रहेंगे, तो वहाँ पर चलिए चाइना भले अथॉरिटेरियन है लेकिन डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है ठीक है, डिसिप्लिन जहाँ पर रहेगा। रशिया देखिए वो भी अथॉरिटेरियन, लेकिन ये समझिए कि जहाँ पर डिसिप्लिन ज़्यादा रहेगा, जहाँ पर कहीं ना कहीं ज़्यादा सिविल टेंशन नहीं रहेगा, सिविल स्ट्राइफ नहीं होगी, सिविल वॉर नहीं होगा, वहाँ पर जो है जहाँ पर डिसिप्लिन अथॉरिटेरियनिज्म रहेगा वहाँ पर और ज़्यादा अच्छे तरीके से क्या हो सकता है, ग्लोबलाइजेशन हो सकता है। तो ये चीज़ जो है ली हाइपोथेसिस में भी डिस्कस किया गया था कि डेमोक्रेसी क्या सही है कि नहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ठीक है। तो वो कहते हैं कि जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स है उनको डेमोक्रेसी नहीं अपनानी चाहिए क्योंकि वो जो है सूटेबल नहीं है उनके लिए। तो वो एक अलग हाइपोथेसिस है, उस पर हम नहीं जाएंगे अभी, अभी के लिए आपको जो है ये इसको समझने की ज़रूरत है।
वैसे ही अगर हम देखेंगे कि इकोनॉमिक क्राइसिस जो आता था 2007 से 2009 के बीच में, जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया, तो ऐसा कहते हैं कि ये जो है डेथ लेटर था ग्लोबलाइजेशन के लिए। इससे ग्लोबलाइजेशन जो है वापस जो है चेंज हो गया और कहीं ना कहीं स्टेट का इंपॉर्टेंस जो है फिर से जो है इसमें बढ़ गया। तो डिफरेंट तरीके के व्यूज़ है, एक स्टेट सेंट्रिक व्यू है, एक ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट व्यू है, एक स्केप्टिक्स व्यू। मैंने आपको समझा दिया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन की जब हम बात करते हैं कि 1990s के टाइम पे आप देखेंगे कि ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन के नाम पे बहुत बार यूएस ने जो है अपनी जो लिमिट्स है वो ट्रांसग्रेस की। इसके चलते स्टेट को भी इंटरेस्ट आया कि भाई हम लोग भी जो है इंटरनेशनल गवर्नेंस में अपना पार्टिसिपेशन दे ताकि हम अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर सके। अफगानिस्तान और इराक में जो इन्वेजन जो है यूएस ने उस टाइम पे किए, तो इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी आपको देखने को मिलता है मिला था। कंक्लूजन पे आ चुके हैं हम। स्टेट बॉर्डर्स बहुत ज़्यादा, टेरिटोरियल सॉवरनिटी है वो बहुत ज़्यादा परमिएबल हो चुकी है। ये बात तो बिल्कुल सही है क्योंकि आज हम बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है और बहुत सारी जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है हमारी हमारे डिसीजंस को कंट्रोल कर रहे हैं। हमारी लाइफ जो है आज के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ हमारे नेशनल इंस्टीट्यूशन से गवर्न नहीं हो रही, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से गवर्न हो रही है। तो ये सब चीज़ें तो आपको सही है, समझ में आ रही है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है बढ़ते जा रहा है एनजीओज़ का इंटरनेशनल लेवल पे, ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन का, एमएनसीज़ का। और अभी हम कोविड-19 का टाइम देखेंगे, कोविड-19 पे आपने देखा किस तरीके से ग्लोबल लेवल पे कोऑपरेशन हुआ। क्लाइमेट चेंज के लिए हम किस तरीके से कोऑपरेशन कर रहे हैं, कोपेनहेगन अकॉर्ड, पेरिस अकॉर्ड, हम किस तरीके से क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किस तरीके से हम कोऑर्डिनेशन जो है कर रहे हैं। अब नया जो हमारा एक तरीके से हम देखेंगे कि 21st सेंचुरी में जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है, ये लोग जो है सब लोग मिलकर जो है UNO WHO के साथ मिलकर बहुत सारी चीज़ों में काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि इंटरनेट